हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अवधेश सिंह आपको अवधेश एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस समय सीख रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जिसके बेसिस पे हम बाकी चैप्टर्स को सीखेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमने सबसे पहले सीखा कि SI यूनिट्स क्या होती हैं, और इसमें हमने जाना कि हम जब कोई चीज़ मेज़र करते हैं तो उसके अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, जैसे मीटर, KGs या सेकेंड्स या इस तरीके के डायमेंशंस होते हैं। अब अगर हमें कोई छोटी चीज़ें मेज़र करनी होती है, जैसे किसी अगर हमें कमरे का साइज़ मेज़र करना है, किसी की अगर हमें लंबाई मेज़र करनी है, तो हम एक मीटर स्केल निकाल सकते हैं और मीटर स्केल से उसको मेज़र कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई बहुत लंबी डिस्टेंस को कोई चीज़ मेज़र करनी है, जैसे कि अगर हमें धरती से लेकर सूरज की डिस्टेंस अगर मेज़र करनी है, तो हम ऐसा कोई मीटर नहीं बना सकते, हम ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं बना सकते कि जो यहाँ से वहाँ तक जाए और उसको हम मेज़र करें। तो उसको जो हमें नापना होता है, उसकी अलग टेक्निक होती है, और इस टेक्निक को आज हम सीखेंगे। इसको हम कहते हैं पैरालॉक्स मेथड। तो ये पैरालॉक्स मेथड क्या है, इसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कभी आपने सोचा है कि हमारी दो आंखें क्यों होती हैं, हमारी आंख एक क्यों नहीं होती है? आखिरकार एक आंख से भी तो हम सब कुछ देख सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमारी सिर्फ एक आंख हो तो हम कैसे होता है, और अगर हमारी दो आंखें हो तो हमें क्या बेनिफिट होता है। देखिए, ये मैं एक पेंसिल ले रहा हूँ साथ में। इस पेंसिल में मैं एक दूसरे हाथ से दूसरी पेंसिल लेता हूँ और मैं इसके जो दोनों कोने हैं, नोक है, उसको मिलाता हूँ। आप देखें कि मैं कितनी आसानी से उसको मिला सकता हूँ। लेकिन अब मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं एक आंख बंद कर लेता हूँ, और एक आंख बंद करने के बाद में मैं इस पेंसिल को मिलाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं इस पेंसिल को नहीं मिला सकता। आप भी कोशिश करें, आप पाएंगे कि अब मिलाना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है पैरालॉक्स। पैरालॉक्स देखिए क्या होता है कि जैसे अगर हम एक पेंसिल को लेते हैं और इस पेंसिल को एक आंख से देखते हैं तो इसकी पोजिशन अलग होती है, उसी को हम दूसरे आंख से देखेंगे तो इसकी पोजिशन अलग होगी। और हमारा जो दिमाग है वो इस तरीके से डिजाइन है कि ये इन दोनों पोजीशन को मिला देता है, और इन दोनों पोजीशन को मिला करके ये तुरंत इसको पता चल जाता है कि इसकी कितनी डेप्थ है, कितने दूर पे ये ऑब्जेक्ट है। और अगर हम इन दोनों चीज़ों को ना मिलाएं, सिर्फ एक आंख से हम देखें, तो हम इस डेप्थ को महसूस नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम पैरालॉक्स कहते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया पैरालॉक्स, और जो हमारे दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, आंखें जैसे यहाँ पे हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं बेसिस। अब मैं इसको आपको समझाऊंगा कि पैरालॉक्स को कैसे इस्तेमाल करके हम बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, या सन है मान लिया, और हम लोग धरती पे हैं और हम इसकी डिस्टेंस यहाँ से मेजर करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि सन कितने करोड़ों किलोमीटर दूर है, इसके हम कैसे यहाँ पे कोई मीटर स्केल ला सकते हैं? लेकिन हम इसको आसानी से मेजर कर सकते हैं अगर मान लिया कि हम इसकी एक पोजिशन से हम सन की पोजिशन देखें कि वो हमें कितने एंगल पे दिखाई दे रहा है, और वहां से हम थोड़ी और डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं और फिर हम देखते हैं कि वहां से सन की पोजीशन बदल जाती है और वो कितने पे है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है मान लीजिए कि ये थीटा है। अब अगर ये डिस्टेंस थीटा है तो हम जानते हैं कि अगर हम इसको रेडियन में कैलकुलेट करें तो जो थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या रहती है, आर ए बी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। ये आर जो है वो ए बी है और ये डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस डी बहुत ज्यादा है तो ये जो आर के करीब करीब स्ट्रेट लाइन हो जाता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ए बी डिवाइडेड बाई डी, या ए बी चूंकि बी है तो बी डिवाइडेड बाई डी। और इस तरीके से जो डी की वैल्यू है, जो कि डिस्टेंस है, सन तक का डिस्टेंस है, कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। अब देखिए, बी हमें मालूम है क्योंकि हमने खुद ए से बी की डिस्टेंस हमें पता है, और थीटा भी हमें मालूम है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हमने थीटा कैलकुलेट किया है। और इस तरीके से आपने देखा कि जो इतनी लंबी डिस्टेंस है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, अगर हम किसी प्लैनेट, जैसे कि मान लिया मून है या सन है, हम ये देखना चाहते हैं कि उसकी कितना डायमीटर है, तो वो भी हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम कैसे जो हमारे बहुत दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि चंद्रमा है, उसका अगर हम डायमीटर मेजर करना चाहते हैं धरती पे बैठे बैठे, हम कैसे उसका डायमीटर मेजर करते हैं? अब देखिए, पहले हमने आपको बताया था कि कैसे हम धरती पे बैठे बैठे किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अब अगर एक बार आपको ये डिस्टेंस पता चल गई तो फिर आप उसका डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस आपको ऑलरेडी पता है यहाँ से। अब आपने देखा कि एक चंद्रमा के छोर से दूसरे चंद्रमा के छोर तक कितना एंगल आपके अर्थ से बन रहा है, और मान लीजिए कि एंगल अल्फा है, तो आपको मालूम है कि अल्फा जो है वो डी अपॉन डी के बराबर है। और इस तरीके से जो डायमेंशन या जो डायमीटर है आपका चंद्रमा का, वो हो गया अल्फा इंटू। तो दोस्तों, आपने इस तरीके से देखा कि आप इस पैरालॉक्स मेथड को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो आपने दूर के स्टार की डिस्टेंस मेजर की, और उसके बाद में इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए फिर आपने उसका डायमीटर भी मेजर कर लिया। तो
तो इस तरीके से ये जो पैरालॉक्स मेथड है बहुत ही ज्यादा उपयोगी है और इसको यूज करते हुए हम दूर से दूर ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं। दोस्तों जब हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल्स को मेजर करते हैं तो नॉर्मली वो एंगल्स होते हैं वो डिग्रीज में होते हैं, और हमें मालूम है कि जो एक पूरा एक सर्कल होता है अगर हम उसका जो एंगल हम मेजर करें इस कोने से उस कोने तक तो ये जो होता है 360 डिग्रीज होता है, और 360 डिग्रीज जो है ये आपका 2 पाई के बराबर होता है। और इसलिए अगर हम एक डिग्री की बात करें तो एक डिग्री जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो एक डिग्री जो आएगा वो आएगा 2 × 3.14 डिवाइडेड बाई 360, और ये हो गया आपका 1.74 × 10⁻²। अब एक मिनट जो होता है, क्योंकि जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं तो मिनट्स और सेकंड्स की बात करते हैं, एक जो मिनट होता है वो होता है 1 °/60, और इस तरीके से इस डिस्टेंस को हम 60 से जब डिवाइड करेंगे तो जो एक मिनट आएगा उसकी जो डायमेंशन होती है 2.9 × 10⁻²। लेकिन ये मिनट भी बहुत ज्यादा होता है जब हम प्लैनेटरी सिस्टम की बात करते हैं, अक्सर ये चीजें सेकंड्स में आती हैं, और एक जो सेकंड होता है ये होता है 1 मिनट का 60वां हिस्सा, और इसको हम मेजर करते हैं तो ये जो डिस्टेंस आती है 4.85 × 10⁻⁶। तो जब भी हम स्टार्स की बात करते हैं, जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं तो अक्सर जो हमारे डायमेंशन होते हैं वो सेकंड्स में आते हैं, और एक सेकंड आपने देखा कि 4.85 × 10⁻⁶, इतना छोटा जो है वो यूनिट होती है। अब हम इस पे पैरालॉक्स मेथड पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए जो एक प्रॉब्लम दी हुई है कि एक आदमी है जो कि एक टावर के डिस्टेंस को मेज़र करना चाहता है। अब वो जो टावर है वो मान लीजिए सी पोजिशन पर है और वो ए की पोजिशन पर खड़ा है, और यहाँ से एक बहुत ही डिस्टेंट कोई ऑब्जेक्ट है जो एक ही लाइन में है। अब ये जो आदमी है क्या करेगा, ये इस टावर को मेंशन करने के लिए ये 100 मीटर यहाँ से मूव करता है और ए से बी पोजीशन पे आ गया। तो आपने देखा कि जैसे अगर ये जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, मान लिया कि कोई पेड़ होगा या मान लिया आपका मून है या कोई भी ऐसा चंद्रमा है, तो वो बहुत ही डिस्टेंस है, तो जब हम वहाँ पर इधर से उधर मूव करते हैं तो उसकी पोजिशन बरकरार रहती है क्योंकि वो लाइन्स पैरेलल ही रहेंगी और रेस पैरेलल आएंगी। तो यहाँ पर उसकी पोजिशन अभी भी वैसी की वैसी दिखाई देगी, लेकिन ये जो पोजीशन जो छोटा जो आपका टावर है सी, इसकी पोजीशन अब यहाँ से बी से बदल गई और अब ये थीटा एंगल पे दिखाई दे रहा है। अब ये थीटा एंगल आप इसको मेज़र कर सकते हैं। तो आपने देखा कि अगर ये थीटा है, चूंकि ये पैरेलल लाइन है इसलिए ये एंगल भी थीटा होगा। तो अब हम इस टावर की जो लेंथ है उसको कैसे मेज़र करेंगे, आप जानते होंगे कि जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। हमें चाहिए टावर की लेंथ AC, तो AC क्या हो गया AB डिवाइडेड बाई 10 थीटा। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ कि थीटा की वैल्यू 40 डिग्रीज है, तो AB डिवाइडेड बाई 10 40, और 10 40 की वैल्यू आपको दी हुई है इतनी, तो AB की वैल्यू आपको दी हुई है 100 और 10 40 की वैल्यू दी हुई है 0.8391। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है 119। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो टावर की जो लेंथ है AC, ये हम इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और हम दूसरी प्रॉब्लम्स की तरफ देखेंगे। अब हम एक NCERT किताब का एग्जाम्पल है उसको हम लेते हैं, और वो एग्जाम्पल इस टाइप से है कि हमें जो चंद्रमा है मून है उसकी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है अर्थ से। तो पहले हम क्या करते हैं कि अर्थ के एक कोने पे खड़े होते हैं और उससे हम उसकी पोजीशन देखते हैं, और उसके बाद में अर्थ के दूसरे कोने से जाते हैं और वहाँ से उसकी पोजीशन देखते हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से उसकी पोजीशन देखते हैं, और उसके बाद में हम मेज़र करते हैं। तो हम देखिए कैसे इसको मेज़र करेंगे। अब ये मान लिया मून है और ये अर्थ है। अब अर्थ के एक डायमेंशन यहाँ पे, एक डायमीटर यहाँ पे है, और हमने इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको मेज़र किया, और ये एंगल मान लीजिए अल्फा आता है, और ये डिस्टेंस डी है, और ये डिस्टेंस जो
डायमीटर अर्थ का कैपिटल डी है। अभी देखिए हमें मेजर करना है कि जो अर्थ मून और अर्थ के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो ये जो अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और ये जो डी हुआ दैट इज इक्वल टू डी अपॉन अल्फा। अब हमें डी पता है, अल्फा पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमें अल्फा पता है ये हमें पता है डिग्रीज में, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस में, और रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले तो जो डिग्री हमारी इसमें दी हुई है वो है 1 degree 54 minutes, तो इसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं सेकेंड्स में, तो 1 degree 54 minute इज इक्वल टू 1 degree के बराबर होते हैं 60 minutes होते हैं, और उसमें अगर हम 54 को जोड़ते हैं तो हमारे टोटल हो जाते हैं 114 minutes। उसके बाद में अगर हम इसको 114 को हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में ये हो जाता है सेकंड्स में इक्वल टू इतने सेकंड्स, और सेकंड्स को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें दिया हुआ है कि 1 second इज इक्वल टू 4.85 × 10⁻⁶। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो है, अगर हम यहाँ पे अल्फा में सब्सिट्यूट करेंगे और डी की वैल्यू हमें पहले दी हुई है कि 1.27476 × 10⁷, तो ये हमारी जो वैल्यू है इससे आंसर जो है हमारा आ जाता है। अब ये जो डी है इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, और डी की वैल्यू जो दी हुई है वो है 1.276 × 10⁷, और आपको अल्फा की वैल्यू जो है आपने यहाँ से कैलकुलेट की, और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी 3.32 × 10⁻²। और अगर हम ये वैल्यू डी और अल्फा के यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे तो जो डी की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 3.84 × 10⁸। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप कैसे जो है वो डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज सीखा कि हम पैरालॉक्स मेथड क्या होता है, पैरालॉक्स मेथड से हम कैसे दूर की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, कैसे उसकी डायमेंशंस मेजर कर सकते हैं, और कैसे जो हमारी जो डायमेंशंस जो डिग्रीज हैं, जो सेकंड्स मिनट्स और डिग्रीज हैं, उसको हम एक्यूरेटली रेडियन में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर्स आपको समझ में आए होंगे, अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखें और हमें उसका आंसर फर्दर देंगे। थैंक यू वेरी मच।